अगर इस प्लास्टिक को, ये शाइनिंग वाला प्लास्टिक है, अगर इस प्लास्टिक को इस डोर में, ठीक है ये डोर है कबोर्ड का, वार्डरूम का डोर है, इस डोर में इसको ये लगाने के लिए, अगर इसमें ये डोर में अंदर इसको लगाना है, लगाने के बाद इसको ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ये और ये बराबर होना चाहिए। इसके लिए इसको ये हम मोटाई नाप लेंगे, ठीक है इसका ये मोटाई नाप लेंगे, जितना ये मोटा होगा उसके बाद इसको हम ये राउटर के से ये पूरा काट लेंगे। आइए देखते हैं कि इसका मोटाई कितना है। तो मोटाई नापने के बाद, ठीक है इसका मोटाई है इसका 2 mm, तो 2 mm ये इधर से 7 सेंटी चारों तरफ से छोड़ के इसके बाद इसको ये अंदर हम इसको लगा देंगे। तो आइए आपको देखते हैं, इसके लिए आपको राउटर ले लेना है। ये राउटर है, ठीक है राउटर में जो बीट है, इस बीट से, इसी वाले बीट से इसको चारों तरफ से इसको काटेंगे, ठीक है तो ये थोड़ा पतला है इसे एक चौड़ा बीट लगा लेते हैं। तो इस तरह ये बीट लगा लेंगे राउटर में, ठीक है देखिए इस तरह ये राउटर में बीट लगाने के बाद 7 सेंटी चारों तरफ से इसका हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद राउटर से लगा के दिखाते हैं। इस तरह प्लास्टिक बैठाने के लिए हम इधर से इस साइड से 1 या 2 सेंटी छोड़ सकते, ठीक है लेकिन हम 1 सेंटी छोड़े हैं। 1 सेंटी के बाद ये देखिए इस तरह ये पूरा इसको इलिमिनेट पूरा इसमें लग जाएगा, ठीक है 1 सेंटी छोड़ने के बाद ये इसका ये राउटर का सिकंजा है, इसको इसमें लगा लेंगे। इस तरह लगाने के बाद इसे जो ये दिख रहा है इसका ये बीट है, इसको चीना पे इस तरह ये, ठीक है 1 सेंटी ये साइड से छोड़ देंगे, ये जो है 1 सेंटी ये साइड से छोड़ के इसके बाद ये जो धार है इस चीने पे एकदम अच्छे तरीके से इसको बैठा के, ठीक है इस तरह ये बैठा लेंगे। उसके बाद ये बैठाने के बाद इसको ये पीछे से इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है ये एकदम इसी सटा के इसको इस तरह ये टाइट कर लेंगे ताकि इसी पे ये साइड से होके चलेगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है नहीं। अब काट को देख काट के देखते हैं अच्छे से काटता है। इस तरह एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये रख के ये जो धार है, ठीक है इसका बीट है राउटर का, इसको रख के इसको बराबर करके फिर इसको अपने हिसाब से टाइट कर लेंगे, ठीक है इसको एकदम ये थोड़ा सा एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है आगे पीछे रहेगा तो ये फिर ऊँचा या नीचे हो जाएगा तो फिर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये बराबर रहेगा तो ठीक है। तो इसको ये एक टुकड़ा लेके यहाँ पे इसको बराबर रख सकते हैं, ठीक है बराबर रखने के बाद इस तरह पूरा टाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइए काट के देखते हैं। इसको साफ कर लेंगे। उसके बाद अभी जो टुकड़ा है, ठीक है इसको यहाँ पे अंदर रख के पहले चेक कर लेंगे, ठीक है चेक कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए एकदम बराबर है, ठीक है एकदम बराबर होना चाहिए इस तरह। ये पूरा चारों तरफ ये 7 सेंटी का पूरा मार लेंगे। उसके बाद 7 सेंटी इसको ये प्लास्टिक को चीर के आपको बैठा कर हम दिखाते हैं आगे। इस तरह ये पहले इसको पूरा ये मार लेंगे, ठीक है खाँचा इसका एकदम बराबर होना चाहिए इस तरह। ये चारों तरफ से इसका ये जो सफ़ेद भाग है, ठीक है इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि बाद में ये प्लास्टिक बैठाने में दिक्कत ना हो। इस तरह ये कटर से काट लेंगे चारों तरफ से 7 सेंटी छोड़ के, 7 सेंटी का ये फ्रेम चारों तरफ रहेगा, ठीक है इस तरह काटने के बाद ये कार्नर में थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा इसको काट लेंगे। बारी से भी काट सकते हैं लेकिन हमारे पास मशीन है, मशीन से काट रहे हैं काट लेंगे। उसके बाद ये काटने के बाद इसको आराम से इस तरह देखिए बीच में से निकल गया, ठीक है अब ये बीच में से निकल गया। उसके बाद ये फ्रेम इस तरह हो जाएगा, ठीक है ये 7 सेंटी का चारों तरफ से ये फ्रेम हो गया और बीच में ये जो दिख रहा है इसमें अंदर ये प्लाई डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका ये प्लास्टिक का सीट काट लेंगे। सीट काटने के लिए
सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टेप चिपका लेंगे, ठीक है, ताकि इसका कोर ख़राब ना हो, नहीं तो काटने पे इसका कोर बबरिंग आ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये टेप साट लेंगे, उसके बाद टेप साटने के बाद इसको हम काट लेंगे कटर से। इस तरह ये धीरे धीरे कटर से काटना है, ज़्यादा तेज चलेगा तो इसका बबरिंग ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए सीट ख़राब हो जाएगा। इस तरह काट लेंगे सीट इसको साइज में। इस तरह देखिए इसका कोर कितना अच्छे से फिनिशिंग है, ठीक है, इसका कोर बबरिंग ज़्यादा नहीं आया है। इस तरह काटने के बाद इसको ये देखिए पल्ला है, ये अंदर प्लाई लगा दिए हैं 2 mm का। ये 2 mm का जो है सीट है इसके ऊपर ये रख लेंगे, देखिए अच्छे से ये फिट हो गया है। इस तरह ये वार्डरोब के डोर में लगा सकते हैं।